डालें, एक प्लेयर वहां पर रोटेट करते हुए नोक हुआ था, दो प्लेयर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, सर्कल हल्का सा अभी भी उनसे थोड़ा सा दूर चला गया, तो दे हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल देयर, थोड़ा सा और उनको सर्कल के अंदर जाना है, बट एक ओपन एरिया देखने को मिलता है। वहीं अगर यहां पे बात की जाए, फाइट भी शुरू हो चुकी है, ब्रुटैलिटी के एम गॉड को यहां पे नॉक करा जाता है, मानव अभी भी वहां पे जोन के बाहर फंसे हुए हैं और उनका जोन में आना माई मेजी लगभग इम्पॉसिबल है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ इसके बाद कि जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई फ्रैगिंग गेम, एक टीम होगी जो बहुत ज्यादा रश कर रही होगी, वो चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। बट साइक की बात करी जाए, वो भी यहाँ पे डाउन हो गए, जिनका मुझे लग रहा था कि बहुत जल्द और ज्यादा खाता हमें खोलते हुए वो दिखाई देंगे, बट फिलहाल के लिए ब्रुटैलिटी की बात करी जाए, वो यहाँ पे खत्म होते हुए 12वें स्थान पे वो खत्म हुए। जरूर देखना पड़ेगा उनके पास फिनिशेस कितने हैं, बट वन साइड ई स्पोर्ट्स, दो प्लेयर बचे हुए आराम से अपने आप को सुरक्षित पाते हुए छोटे से कंटेनर में, साइक की बात के ऊपर तरीके से खत्म हो गए। उनका एक आखिरी प्लेयर बचा होगा, नहीं चलिए दो प्लेयर उनके अभी भी बचे रहेंगे, बट इस वक्त यूनाइटेड सोल के प्लेयर्स बहुत ज्यादा मुश्किल में है। जरूर तर उनकी बात करी जाए, एक प्लेयर को उन्होंने नॉक जरूर किया था, बट ब्लैक डॉग की बात करें, ब्लैक डॉट की बात करी जाए, वो भी यहाँ पे डाउन होते हुए आपको नजर जरूर आएंगे। वेनम ओपी एक अच्छा स्प्रे देते हुए हमें वहां नजर आए। राइजिंग रुक्स की बात करें, उनकी स्क्वाड से ये प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, बट सर्कल स्पीरो जिस तरीके से सर्कल शॉट ले रहा है, उम्मीदें किसी को भी नहीं थी। जी हाँ, बट यहाँ पे अगर आप बात करें फेक की टीम के पास, एक अच्छा मौका मिल सकता है वहां पे, जो शोर पे टीम्स होंगी डिजिट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, अगर वहां पे उनको तंग किया जाए तो शायद उनको फिनिशेस मिल सकते हैं। और राइजिंग रुक्स की बात करते हैं, मैं इन टीम को जानता हूँ, बहुत समय से मैं इनको देखता हुआ हूँ और बहुत अच्छी टीम है, स्पेशली ये जो बाबा नाम का प्लेयर है, इस पे आपकी नजरें बनी रहनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए सिनर्जी एक्स की, गोकू यहाँ पे आ चुके हैं, M16 चलाते आपको नजर आ जाएंगे, एंड आई हैव टू से कि इस स्थिति में DMRs और AM16 का जो टैप टैप है ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए काम आ जरूर सकता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग प्रेफर करते हैं कि दो असोल्ट राइफल या फिर दो ऑटोमेटिक राइफल आपके पास यहाँ पे जरूर हो। इधर बात की जाए VI के हिदान, काफी ज्यादा एक खराब सिचुएशन में शायद फंस सकते हैं, अगर हिटमैन उनको स्पॉट करते हैं गार्गोल की तरफ से, तो उनको भी फिनिश काफी जल्दी करा जा सकता है। LR के प्लेयर शुरुआती दौर से ही मुश्किल में थे, एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए, क्योंकि वो जोन के बहुत ज्यादा बाहर। पर दूसरे साइड पे बात करी जाए GGL के स्क्वाड के लिए, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई, मुझे लगता है कि उनका केवल दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, जबकि उनके बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी बचे हुए थे, बट अचानक से वो आपको खत्म होते हुए दिखाई देंगे। वेनम की बात के एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे जाता हुआ, हार्ट्स की बात के वो डाउन हो गए, बहुत ज्यादा टाइम तक इस कंटेनर में सर्वाइव कर रहे थे, बट और नहीं, इसी के साथ वो एलिमिनेट हो गए। तरुण अकेले प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से इस वक्त, वॉच टावर में बैठे जरूर है, देखते हैं कितना दूर तक अपनी टीम को वो लेके जा सकते हैं। 20 प्लेयर्स उनके बाहर वहां पे डाउन हो गए। सिनर्जी एक्स की स्क्वाड ने रश करा और सीधा वेयर हाउसेस का साइड उन्होंने चूज जरूर करा, और मुझे लगता है वो कामयाबी हासिल भी कर सकते हैं। LR की जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हो चुकी है, 7 टीमें, मात्र 17 प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। आप रुक की स्क्वाड की बात करें, 3 प्लेयर देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरे साइड पे एवलिक्स के भी आपको 3 प्लेयर देखने को मिलेंगे, बट वुल्फ इसी के साथ वो डेथ नॉट ओपी के द्वारा डाउन किए जाएंगे। बट राइजिंग रूप की बात करी जाए, अभी भी उनके 3 प्लेयर बचे, और सबसे बड़ी बात जोन उनके पास गेट की बड़े आराम से किया जा सकता है। यहां एक सुनहरा मौका उनके पास यहां पे बनता है, और यहां पे मोलोटोव का सहारा लेते हुए ऑप्शनेट जाने की कोशिश कर रहे थे, मोलोटोव के ऊपर से जाना पड़ा, इवन तो वो वहां पे रीलोड कर रहे थे, उनको पता था कि यही मौका है, अदरवाइज वो भी खत्म होते आपको नजर आ जाएंगे। यहां पे आई स्टिल फील के राइजिंग रुक्स के पास एक लाजवाब मौका है, अगर वो गेट कीप करके यहां पे इविल एक्स को रोका जा सके तो। सिड की बात करते हैं, स्टिल होल्डिंग ऑन, लेवल 2 का हेलमेट अभी भी उनके पास फ्रेश है, लेवल 2 का वेस्ट उनके पास है जो काफी ज्यादा तक आधा डैमेज हो चुका है, लेकिन डेथ नॉट बिल्कुल उनके सामने हील करते हुए। अब सिड ना शंका में है, वो सोच रहे हैं कि वो क्या करा जाए, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा गया, लेकिन जोन आने वाला है, 5 मीटर दूर है, क्या लगता है मेजी, क्या यहां पे बच पाएगी विलेक्स? मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। ओ, बोलते ही बोलते बाबा आए, उन्होंने वुल्फ को एक बार फिर से डाउन किया, आखिरी प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बाबा को पता है प्लेयर कहां है, 3 फिनिशेस जरूर रुक की स्क्वाड के पास आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सर्कल डिसाइड करेगा कौन सी टीम लेके जाने वाली है, वेनम वाला चिकन अगर सतह पे सर्कल रहा तो रुक के पास पूरा पूरा मौका रहेगा, अदरवाइज GGL की स्क्वाड काफी ज्यादा आगे जाती हुई आपको दिखाई देगी। हील बैटल के लिए यहां पे एवलेक्स की स्क्वाड जा चुके हैं, बट पानी में पूरा सर्कल जाता हुआ अभी भी रुक के पास पूरा मौका रहेगा, क्योंकि कुछ इलाका सतह का अभी भी है जो आपको सर्कल में देखने को मिलेगा। एक और स्क्वाड है, अगर मैं बात करूं नॉन राइवल्स की, आई गेस वो स्क्वाड है जो कि आपको बहुत ज्यादा क्लोज दिखाई देगी, जो कि सर्कल के अंदर भी आपको दिखाई देने वाली है। VR1 का एक और प्लेयर यहां पे डाउन होता हुआ, और इसी के साथ उनका आखिरी जो प्लेयर है वो आपको सर्वाइव करता हुआ दिखाई देगा। डेथ नोट कैसे भी करके खुद को बचा जरूर रहे, बट इसी के साथ एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, एक्सपेक्टेड ग्रेनेड होना चाहिए था डेथ नोट ओपी के लिए जिस तरीके से वहां पे बैठे हुए थे, बट एक और ग्रेनेड, मुझे लगता है इसी के साथ वो कंफर्मेशन भी आने वाला है। चलिए वो कंफर्मेशन भी आता हुआ, रुक की स्क्वाड अभी भी पूरी तरीके से तैनात, अच्छे खासे फिनिशेस निकाल सकते हैं, और प्राइम स्लोयर का एक ग्रेनेड वो भी इस मैच से बाहर।
जी हाँ, सिड ने यहाँ पे जो एफर्ट दिखाया वो भी काफी लाजवाब देखने को मिला। 4 फिनिशेज इनकी टीम ने निकाले हैं, 2 फिनिशेज इसमें सिड का योगदान आपको देखने को मिलेगा। राइजिंग रुक्स का जोन तक का सफर भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। बट वी आर वन के सत्या की बात की जाए, अब ये एक्सपीरियंस नहीं तो क्या एक्सपीरियंस है मेजी। गाड़ी पानी में लगाई है, उसके अंदर जाके बैठ चुके हैं ताकि उनको ज्यादा डैमेज ना पड़े। हील भी अपना आराम से वहां पे करते हुए नजर आ जाएंगे। बट हिटमैन की जो पोजीशन है वो भी क्रूशियल है। बट सीनू अगर उनको स्पॉट कर लेते तो हिटमैन बैक फुट पे जा सकते हैं शॉट लेने की कोशिश। यहाँ पे वेनम अभी भी आ चुके हैं बीच में, सैंडविच सिचुएशन में हिटमैन फंस चुके हैं। क्या सर्वाइव वहां पे कर पाएंगे जीजीएल के हिटमैन? बहुत ज्यादा वेनम ने वहां पे शॉट्स मिस करे और आप देखें वो प्लेयर ऊपर के साइड में था, उसको पानी में जाने का पूरा मौका दिया और वेनम ने खुद को फंसा दिया। और अभी भी आप देखें, चलिए एक बार के लिए वो सर्कल के अंदर, बट हिटमैन अगर वो ऊपर जाके वहां पे वेनम को डाउन करने में कामयाब हो गए तो वेनम बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए ग्रेनेड को किया जा रहा है सीनू, उनकी स्पीड डाउन हो चुकी है। डोमिनेटर की बात कही, अच्छा ग्रेनेड आगे के साइड पे गया, सीनू वहां पे पहले से ही डाउन हो चुके थे और इसी के साथ एक और बढ़िया ग्रेनेड आता हो, मुझे नहीं लगता उनका नाम सीनू है, मैंने 2 बार गलत लिया, आई एम सो सॉरी। वापस से हम आएंगे, जरूर उनका नाम पढ़ेंगे। बट सत्या बहुत ज्यादा टाइम से गाड़ी के अंदर थे, एक बार फिर से वो हमें वहीं पे देखने को मिलने वाले। बट हिटमैन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सर्वाइव करा है, वेनम के आंखों के सामने से पानी के अंदर छलांग लगाई थी, बट बाबा एक बार फिर से ग्रेनेड से कमाल दिखाते हो और इसी के साथ पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट करेंगे। रूक की स्क्वाड जिनको हम लोग बहुत ज्यादा टाइम से देख रहे हैं खेलते हुए, 7 फिनिशेस टोटल निकाल चुके हैं। बाबा डाउन जरूर किएगा, बट आप सेड को देखें किस तरीके से टॉप 5 में अपनी टीम को अभी तक लेके आए, उनके पास कोई हीलिंग नहीं। लाजवाब कहना चाहूंगा सेट की तरफ से। एक और फिनिश यहां पर निकालते हुए आपको नजर आ सकता है। व्हाट जस्ट हैपेंड देयर? ओह माय गॉड, इविल एक्स के सेड आज रुकने का नाम नहीं ले रहे मेजी। मैं मानता हूं कि ऑडियंस का कान जरूर यहाँ पे फट गया होगा, बट मैं आई एम सो सॉरी, ऐसा ही मूवमेंट कुछ देखने को मिला। वो प्लेयर सामने फुल एचपी पे देखने को मिल रहा था सेड, आई डोंट नो हाउ, सीधा मुझे लगता है हेडशॉट वहां पे एक दो कनेक्ट हुआ, उसके बाद बॉडी शॉट वहां पे कनेक्ट हुए और उसके बाद वो उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाए जरूर दिए। कहना चाहूंगा यहाँ पे कि राइजिंग रुक्स की स्ट्रैटेजी काफी अच्छी थी, उन्होंने एक प्लेयर को पीछे रखा था जो हील बैटल करने के लिए गया था, बट बाकी प्लेयर बच ही नहीं पाए यहाँ पे जोन के अंदर जाके, डोमिनेट कर ही नहीं पाए। फेक के रेजर यहाँ पे आ चुके हैं, मैं देखना चाहूंगा हिटमैन को क्या स्पॉट कर चुके हैं। एक अच्छा नेड यहाँ पे बिना कुक करे डाला गया है जो काम कर जाएगा, बट उनका नेड नहीं काम करेगा। वी आर वन के सत्या का यहाँ पे नेड आया जिसने हिटमैन को खत्म करा। इसी के साथ गार्गल्स खत्म हो चुके हैं 4th पायदान पे, एंड आई हैव टू से 2 टीमें 2 players, it's going to be Razor versus Satya. कौन बनेगा यहाँ पे चिकन डिनर विजेता? Let's find out. बड़ा आप हिटमैन को देखें, अपनी टीम को टॉप 3 तक पहुंचा गए, जो चीज उनको चाहिए था वो चीज वो करके गए। बट फिलहाल के लिए एक और ग्रेनेड जाता हुआ मोस्ट प्रोबेबली सत्या खत्म होते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा ज्यादा दूर गया और ये सत्या का मॉली है या फिर ग्रेनेड, चलिए मॉली था और इसी के साथ थोड़ा सा शॉर्ट जरूर रह गया वो मॉली। बट फिलहाल के लिए रेजर एक और मॉली उन्होंने निकाली है, थोड़ा बल्स का भरपूर इस्तेमाल दोनों प्लेयर के द्वारा देखने को हमें मिलता हुआ। सत्या के ऊपर वो मॉली पड़ी जरूर है, उनको वहां पे थोड़ा बहुत डैमेज दिया गया है, बट ये 1v1 का सिचुएशन कब तक खत्म होगा इंतजार करेंगे। एक अच्छा स्मोक किया है, ब्लॉक करा है खुद का व्यू भी और सामने वाला का व्यू ऑब्वियसली ब्लॉक हमें दिखाई देगा, बट रेजर कुछ करने की कोशिश कर जरूर है। इसके बाद फाइनल सर्कल आने वाला है, मात्र 8 सेकेंड और अब तो दोनों टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा। सत्या को थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। रेजर अभी भी डब्बे लूट रहे हैं, क्या उन्हें वहां पे ग्रेनेड मिल गया? यस बिल्कुल उन्हें ग्रेनेड मिला जरूर है, ठिकाने पे गिरेगा। चलिए एक बार फिर से काफी ज्यादा दूर वो ग्रेनेड जाता हुआ। 1v1 की फाइट है, आखिरी 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं और रेजर मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोएक्टिव आपको नजर आ रहे हैं, अटैक करने की कोशिश उनकी तरफ से हमें देखने को मिल जाएगी। उनके पास चिकन देने की कोशिश है, चिकन को निकालेगा, चिकन रेजर निकालेगा एंड इसी के साथ एक लाजवाब प्रदर्शन। मेजी फेक की टीम आई मीन काफी अच्छी तरह से यहाँ पे जोन के अंदर पहुंच चुकी थी और उसका फायदा देखिए कितना ज्यादा निकाल के गई है यहाँ से। ये टीम तो ठीक है, हमने इन टीम की बात कर ली, बट